नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों यानी जेसीओ ओआरएस की इक्वल एमएसपी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से आई ताज़ा खबर। जी हाँ दोस्तों, हमारे सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों और रिस्पेक्टेड फैमिली पेंशनर्स के लिए एमएसपी को इक्वल करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस दर्ज किया गया था और उसी को लेकर एक ताज़ा और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी बड़ी खबर को कि आखिर एमएसपी को लेकर क्या लेटेस्ट जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आई है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटे का बटन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इक्वल एमएसपी की मांग लगातार सेना में उठती रही है, लेकिन लंबे समय से चली आ रही इस मांग को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों, हमारे सर्विंग और रिटायर सैनिकों की जो मांग है इक्वल एमएसपी यानी एमएसपी को 5200 से बढ़ाकर 10400 करने की जो मांग है उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया गया था और उसी को लेकर एक ताज़ा और बड़ी खबर निकल के सामने आई है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का ये लेटेस्ट जानकारी निकल के सामने आ रही है और यहाँ पे जो हमारा केस नंबर है वो भी आप देख सकते हैं WPC 12842 2018। और दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो हमारा इक्वल एमएसपी की मांग को लेकर केस है वो अभी पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो केस लड़ा जा रहा है वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड अदर्स की ओर से वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR के बीच है। और दोस्तों, ये जो हमारा केस है वो 6 अगस्त 2020 को लिस्टेड किया गया था लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन अभी हमारा केस जो है वापस लिस्टेड कर दिया गया है और उसकी अगली डेट है 30 सितंबर 2020 को इक्वल एमएसपी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में वापस सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पे वॉइस ऑफ एक्स रिसर्च सोसाइटी का कहना है कि ये केस जो इक्वल एमएसपी का केस है वो हम ज़रूर जीतेंगे। और दोस्तों, अगर आप भी इक्वल एमएसपी की मांग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही दिल्ली हाईकोर्ट इक्वल एमएसपी की मांग को लेकर कोई बड़ी जजमेंट ज़रूर देगा हमारे पेंशन भोगियों और सर्विंग सैनिकों के लिए। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।